झारखंड मॉनसून ब्रेकिंग। झारखंड के लोगों को राहत देने वाली सबसे बड़ी खबर, मॉनसून की हो गई झारखंड में एंट्री। जमशेदपुर रांची। झारखंड में सोमवार को मॉनसून ने दस्तक दे दी है। इस दौरान राज्य के कई जिलों में रविवार से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग रांची केंद्र के हेड सेल साइंटिस्ट डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, यानी संताल परगना के रास्ते झारखंड में मॉनसून प्रवेश कर चुका है। इस दौरान दिनभर आकाश में बादल छाए रहेंगे और शाम में झमाझम बारिश होगी। वहीं आने वाले 5 दिनों तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं अब झारखंड वासियों को चिलचिलाती धूप से राहत मिल सकती है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि अगले 2 दिन में जमशेदपुर में भी मॉनसून प्रवेश कर जाएगा। वहीं सोमवार को मौसम विभाग ने गुमला, लातेहार, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो समेत अन्य जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मॉनसून की दस्तक देते ही अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। अब गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत। मालूम हो कि इस बार झारखंड के प्रायः सभी जिलों में लोग जून महीने में भी भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस वर्ष की गर्मी चर्चा का विषय बन गई है। वहीं अब मानसून की पहली फुहार से सभी जिलों में लोगों ने राहत महसूस होगी। लोग खुश हैं कि अब गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। Thank you.